बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में काजल अपनी सौतेली माँ कविता और दो सौतेले भाई बहन राहुल और संजना के साथ रहती थी। काजल के पिता रविदास ने कविता से दूसरी शादी काजल के उज्जवल भविष्य के लिए की थी, क्योंकि रविदास को काम के सिलसिले से एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। इसलिए रविदास ने कविता से दूसरी शादी की कि काजल को ममता की कमी भी महसूस न हो और उसकी अच्छी तरह देखभाल भी होती रहे। लेकिन बेचारों को कहाँ पता था कि वह उसके लिए माँ नहीं बल्कि एक जालिम औरत को लेकर आ रहे हैं, जिसके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है पत्थर। कविता अपने दोनों बच्चों से तो बहुत ज्यादा प्यार करती, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती और काजल के ऊपर बस अत्याचार पर अत्याचार करती रहती। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन काजल के पिता भी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। काजल के पिता की मृत्यु के बाद काजल की सौतेली माँ उसके ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन कविता काजल से कहती है, मनहूस अगर झाड़ू पोंछा हो गया हो तो मेरी बात सुन। कुछ समय पहले मुझे तेरे बाप ने बताया था कि तूने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, तुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े डिजाइन करने आते हैं। हाँ हाँ माँ, पिताजी ने आपसे बिल्कुल सही कहा था, मुझे बहुत अच्छे कपड़े डिजाइन करने आते हैं। पिताजी की मृत्यु से पहले मेरी उनसे बात हुई थी, वह कह रहे थे इस बार आकर वह मेरा बुटीक खुलवाएंगे। मैं बहुत खुश थी, मेरा भी सपना था, लेकिन इससे पहले मेरा बुटीक खुलता पिताजी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन माँ आप अचानक क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए मनहूस क्योंकि अब तेरा बाप तो जिंदा बचा नहीं है, जिसकी कमाई आती थी जिससे हमारे घर के खर्चे पूरे होते थे अब वो मर चुका है। मैंने तो उस बुड्ढे से शादी इसलिए की थी कि उसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी बुड्ढा स्वर्गवास हो जाएगा। मैंने तेरे गाँव में एक अच्छे बुटीक में बात की है, सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी तो तू वहाँ जाकर काम करेगी, समझ रही है ना? माँ मैं नौकरी करने तो चली जाऊंगी, लेकिन जिस तरह से आप पिताजी के बारे में बोल रही हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो तो आपसे कितना प्यार करते थे, आपको कितना सम्मान देते थे, और अब वह इस दुनिया से चले गए तो आप उनके बारे में ऐसा कह रही हैं? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, अब वह इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी आत्मा को कितनी ठेस पहुँचेगी जब वो आपको इस तरह से बात करते हुए सुनेंगे। काजल के इतना कहते ही उसकी सौतेली माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह काजल की बिना गलती के उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है, आई बड़ी अपनी बाप की चमची, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरा बाप मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैंने जो कह दिया उस पर गौर कर। और हाँ महारानी, ये मत सोच लेना कि अगर तू बाहर नौकरी करने जाएगी तो तेरा घर के कामों से पलड़ा झड़ जाएगा। सुबह जल्दी उठना और घर के सारे काम खत्म करना, झाड़ू पोंछा सफाई और हम तीनों के लिए नाश्ता, और उसके बाद बुटीक पर जाना, और बुटीक से वापस आ जाएगी तो हम तीनों के लिए खाना बनाएगी। नौकरी करने के साथ साथ घर के सारे काम भी तुझे ही देखने हैं। काजल चुपचाप अपनी सौतेली माँ की बात मान लेती है, क्योंकि अगर काजल अपनी सौतेली माँ से कुछ और कहती तो उसकी और भी ज्यादा पिटाई होती और हो सकता था कि उसकी सौतेली माँ उसे घर से ही बाहर निकाल देती। इसलिए काजल चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती है और अगले दिन से सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम करती, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े इस्त्री, और उसके बाद जल्दी जल्दी तीनों के लिए नाश्ता तैयार करती है और उसके बाद बुटीक पर काम करने चली जाती है। और बुटीक पर काम करने के बाद शाम को खाना बनाती है और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और उनके साथ बैठकर खाने लगती है। तभी संजना अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी देखो तो इस नौकरानी को सिर्फ बुटीक पर जाते हुए एक ही दिन हुआ है और आज ही कैसे अपना हक जता रही है, हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने जा रही है। आप इसको इसकी औकात बताइए ना कि इसकी क्या औकात है, अगर ये पैसे कमाएगी तो हमारे साथ बैठकर क्या ये खाना खाएगी, इसकी अभी इतनी औकात तो नहीं है। हाँ हाँ संजना बेटा, तो बिल्कुल सही कह रही है, ये मनहूस कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। और तू सुन नौकरानी, जब तुझे अच्छी तरह से पता है कि जब हम खाना खा लेते हैं हमारे आगे की थाली का बचा कुचा तू खाती है, तो फिर आज कैसे हमारे साथ खाना खाना चाहती है? चार पैसे कमाने लगी है तो तू हमारे साथ खाना खाएगी? चुपचाप वहाँ खड़ी हो जा, जब हम खा लेंगे तो हमारे आगे का बचा कुचा खा लेना। ये मत सोच लेना कि तू नौकरी करने लगी है तो मैं तुझे अपनी बेटी समझ लूंगी, तू सौतेली है तो सौतेली ही रहेगी, मेरी बेटी नहीं बन जाएगी मनहूस। नहीं माँ, सुबह नाश्ता नहीं मिला था और घर के इतने सारे काम, बुटीक पर भी इतना ज्यादा काम था, थक गई थी और भूख भी बहुत तेज लगी थी, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ खा लेती हूँ, बस और कोई बात नहीं है।
ऐसा कहकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एक तरफ खड़ी हो जाती है। राहुल, संजना, कविता तीनों उस खाने को बहुत मजे ले लेकर खाते हैं और उसके बाद बेचारी काजल उनके आगे का बचा कुचा खाती है। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है और जब सैलरी मिलती है तो वह सारी सैलरी काजल अपनी सौतेली माँ को दे देती है। तभी संजना अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी जल्दी से मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, मुझे शॉपिंग करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, यह लो तुम 5,000 रुपए और राहुल तुम भी 5,000 रुपए लो और ऐश करो। माँ कुछ पैसे शॉपिंग करने के लिए मुझे भी दे दीजिए। संजना दीदी के पुराने कपड़े सभी बहुत ज्यादा घिस चुके हैं। बुटीक पर सभी लड़के मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े डिजाइन कर लेती है लेकिन खुद पहनती है ऐसे फटे पुराने कपड़े। माँ मैं अपने लिए कुछ कपड़े बनाना चाहती हूँ, वहाँ मेरी बहुत इंसल्ट होती है, इसलिए थोड़े से पैसे मुझे भी दे दीजिए। मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं आ रहे कि मैं तुझे उड़ाने के लिए दे दूँ। मेरी बेटी के तेरे पास जो भी कपड़े हैं उन्हीं में गुजारा कर, तेरी इंसल्ट होती है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस घर की बेटी नहीं है तो हमारी इंसल्ट तो होने से रही, तो सिर्फ इस घर की नौकरानी है और हमारी नजरों में नौकरानी की कोई औकात नहीं होती, जैसा भी मिल रहा है उसी में गुजारा कर। जाओ मेरे प्यारे बच्चों तुम शॉपिंग के लिए जाओ। और तो सुन मनहूस, मेरे लिए जल्दी से कॉफी बना के लेकर आ, सर में दर्द हो रहा है, मुझे भी पैसे दे दीजिए। ऐसा कहकर काजल की सौतेली माँ काजल की ही कमाई के पैसे उसे नहीं देती और अपने बच्चों को शॉपिंग करने के लिए दे देती है। काजल को इस भेदभाव से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वह रोते हुए अपनी सौतेली माँ के लिए कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। ऐसे ही एक दिन काजल की बहुत अच्छी दोस्त काजल से मिलने आती है। अरे यार काजल तुझे क्या हो गया, तू तो बहुत ज्यादा पतली दुबली हो गई, पहले तो बहुत गोल मटोल थी। कुछ नहीं सपना, बस यह समझो जिंदा हूँ मरी नहीं, वरना मेरी सौतेली माँ ने तो मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया है। खैर यह सब छोड़ो, तुम बताओ इतने दिन बाद मुझसे क्यों मिलने आई हो। काजल हमारे गांव में फैशन वीक होने वाला है। सपना यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ काजल कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो। फैशन वीक में साड़ी कंपटीशन है और तुम तो मेरे घर के हालात अच्छी तरह से जानती ही हो, यहाँ तक बहुत मुश्किलों से पहुँची हूँ। अब मैं कोई भी अच्छे डिजाइनर के पास जा रही हूँ तो वह बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। फिर मुझे तुम याद आ गई, तुमसे अच्छा तो कोई फैशन डिजाइनर हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरी सभी साड़ियाँ तुम ही डिजाइन करोगी। काजल मुझे मना मत करना, एक तू ही है मेरी आखिरी उम्मीद। सपना तू मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए मैं तेरा सपना टूटने नहीं दे सकती। ठीक है मैं तेरी साड़ियाँ अपनी सौतेली माँ से छुपकर तैयार कर दूंगी, बस तू मुझे कपड़ा और मटेरियल दे देना। काजल की बातें सुनकर सपना खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मगर सपना और काजल की यह सारी बातें कविता के दोनों बच्चे सुन लेते हैं और वह अपनी माँ को सब बता देते हैं। तभी कविता एक बहुत खतरनाक प्लान बना लेती है और वहीं दूसरी तरफ काजल काम जल्दी जल्दी खत्म करके जो मटेरियल सपना काजल को देकर गई थी उसी से रात भर जाग जाकर सपना के लिए साड़ी डिजाइन करती है। और जब सभी साड़ियाँ तैयार हो जाती हैं तभी कविता मौका देकर उनमें आग लगा देती है। आई बड़ी अपने दोस्त की मदद करने वाली, अब मैं भी देखती हूँ सपना से काजल को कौन बचाता है, क्योंकि काजल के बच्चे ने उसका समय तो बर्बाद किया ही किया है और साथ ही में कपड़ा और मटेरियल भी। इतने बड़े नुकसान के लिए तो सपना काजल को जेल ही करा देगी। अपनी दोस्ती की लाज भी नहीं रखेगी। ऐसा सोचकर कविता बहुत हंसती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह होने के बाद काजल सभी साड़ियों को जलता हुआ देख बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बहुत रोती है। अरे नहीं यह क्या हो गया, सपना की सभी डिजाइन की गई साड़ियाँ जल गई और कल तो फैशन वीक शुरू होने वाला है, अब मैं क्या करूँ। नहीं नहीं यह क्या हो गया, अब मैं सपना को क्या जवाब दूंगी, बेचारी मेरे पास बहुत उम्मीद लेकर आई थी, उसका सपना टूट जाएगा, इतनी ज्यादा मेहनत से वह इस मुकाम पर पहुंची थी और मेरी वजह से अगर उसका सपना टूट गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या करूँ। ऐसा कहकर काजल बहुत रोती है। तभी काजल के सामने काजल की स्वर्गवासी माँ की आत्मा आ जाती है। काजल मेरी प्यारी बच्ची तो इस तरह से रो मत, मुझसे तेरी तड़पन देखी नहीं जा रही, मैं तेरी मदद करने आई हूँ। माँ आप मुझसे मिलना है यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। माँ
मैंने जो सपना के लिए साड़ियाँ डिजाइन की थी उन्हें किसी ने जला दी। माँ यह साड़ी मैंने बहुत मेहनत से डिजाइन की, भूखी प्यासी सुबह जल्दी उठकर सारे काम करना, उसके बाद बुटीक पर भी जाकर काम करना और फिर अपनी सौतेली माँ की पिटाई भी खानी और रात को जाग जाग कर सपना के लिए नए नए डिजाइन की साड़ी भी तैयार करती थी, लेकिन फिर भी किसी ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मुझे सब पता है, स्वर्ग से मैं सब देखती हूँ तेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, मगर बेटा तू परेशान मत हो, आज मैं तुम्हें एक जादुई साड़ी देती हूँ जिसकी मदद से तुम तरह तरह की नई नई डिजाइन की साड़ियाँ मांग सकती हो। काजल की स्वर्गवासी माँ उसे जादुई साड़ी दे देती है, जिसे देखकर काजल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी काजल की माँ वहाँ से अदृश्य हो जाती है। काजल अपनी माँ की दी हुई जादुई साड़ी से नए नए डिजाइन की साड़ियाँ मांगती है। तभी उसके सामने बहुत ही अच्छी अच्छी नए नए डिजाइन की बहुत सारी साड़ियाँ आ जाती है, जिन्हें देखकर काजल और भी ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ समय बाद सपना साड़ियाँ लेने आती है। काजल सपना को साड़ियाँ दे देती है, जिन्हें देखकर सपना भी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, अरे यार काजल, तेरे हाथ में तो जादू है जादू, तूने इतने कम समय में कितनी ज्यादा सुंदर सुंदर नए नए डिजाइन की साड़ियाँ तैयार कर दी। सच में तुझसे अच्छा फैशन डिजाइनर तो कोई और हो ही नहीं सकता। देखना, तेरी डिजाइन की गई साड़ी से ही मैं फैशन वीक को जीतूंगी। सपना खुशी खुशी अपनी साड़ियाँ ले जाती है। यह देखकर कविता आग बबूला हो जाती है। तभी कविता सोचती है, यह कैसे हो सकता है, मैंने तो सभी साड़ियाँ जला दी थी, फिर इस मनहूस ने इतनी जल्दी इतनी सुंदर साड़ियाँ कैसे तैयार कर दी। ऐसा सोचकर कविता काजल के पास जाती है और काजल को जोर से थप्पड़ मारकर उससे पूछती है कि उसने इतनी जल्दी इतनी सुंदर साड़ियाँ कैसे तैयार की। तभी काजल कविता को सब सच बता देती है। माँ, मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ ने एक जादुई साड़ी दी थी जिसकी मदद से मैंने सुंदर सुंदर नए नए डिजाइन की साड़ी मांगी। काजल की बातें सुनकर कविता को लालच आ जाता है। कविता काजल को एक और जोर से थप्पड़ मारती है और उसे जादुई साड़ी छीन लेती है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। अब मेरे हाथ में जादुई साड़ी है जिसकी मदद से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी और अब मुझे तुझ जैसी मनहूस लड़की की कोई जरूरत नहीं है। चल मनहूस, मेरे घर से 9:11 हो जा, वरना मैं चोरी के इल्जाम में तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मेरे घर की तरफ मुंह उठाकर भी मत देख लेना। कविता काजल से वह जादुई साड़ी छीनकर उसे धक्के मारकर निकाल देती है। बेचारी काजल रोते हुए घर से चली जाती है और सड़क के किनारे बैठकर बहुत रोती है। तभी वहां से सपना गुजर रही होती है और वह काजल को देखकर उससे कहती है, काजल तू यहां बैठकर क्यों रो रही है, तुझे पता नहीं आज फैशन वीक का लास्ट डे है, चल मेरे साथ देखना, विनर तो मैं ही हूँगी क्योंकि अब तक मैं फर्स्ट रैंक पर हूँ। सपना काजल को अपने साथ ले जाती है। सपना की सभी साड़ियाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, जिस वजह से सपना ही फैशन वीक की विनर होती है। फैशन वीक जज करने एक बहुत बड़ी मशहूर एक्ट्रेस आई हुई थी। तभी वह एक्ट्रेस सपना से कहती है, सपना मुझे तुम्हारी साड़ियाँ बहुत ही ज्यादा पसंद आई, क्या तुम मुझे अपने फैशन डिजाइनर से मिलाना चाहोगी। सपना काजल की तरफ इशारा कर देती है और उस एक्ट्रेस को बता देती है कि उसकी फैशन डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि काजल ही है। वह एक्ट्रेस काजल से मिलकर बहुत खुश होती है और कहती है, काजल वाकई में तुम बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर हो, आज से पहले मैंने इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ नहीं देखी, मैं तुम्हें अपने साथ मुंबई लेकर जाना चाहती हूँ, वहाँ जाकर तुम बहुत नाम कमाओगी। एक्ट्रेस की बातें सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है। काजल कुछ ही समय में एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है और कुछ ही समय में काजल बहुत ही ज्यादा अमीर भी हो जाती है और वह कुछ समय बाद मुंबई से अपने गांव घूमने आई थी। तभी काजल देखती है कि कविता सड़क के किनारे व्हीलचेयर पर बैठकर भीख मांग रही है, जिसे देखकर काजल घबरा जाती है और अपनी सौतेली माँ से पूछती है, माँ यह आपके साथ क्या हुआ। काजल मैंने तेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार किया था, बस उसी की सजा है। मैंने तुझसे जादुई साड़ी छीनकर तुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया, ये भी नहीं सोचा कि हमारे सिवा तेरा कोई नहीं है। मगर मैं शायद भूल गई थी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। यह सब कुछ जादुई साड़ी ने किया, जादुई साड़ी से साड़ियाँ नहीं बल्कि सांप और बिच्छू निकल कर आए, जिसके डसने की वजह से मेरे दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई और मैं अपाहिज, इलाज कराने में घर बार सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना।
कविता बहुत ज्यादा रो रो कर काजल से माफी मांगती है। काजल अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है और उन्हें अपने साथ मुंबई ले जाती है और अपनी सौतेली माँ के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, किशनगंज नामक गांव में हेमलता और उसका पति दयाराम अपने दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। वह लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। दयाराम और हेमलता दोनों ही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां बनाया करते थे। चूड़ियां पूरी तैयार हो जाने के बाद दयाराम उन्हें बेचने के लिए ले जाया करता था और कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां बेचने के बाद जो भी पैसे मिलते थे उन्हीं पैसों से हेमलता अपने घर का गुजारा क्या करती थी। ऐसे ही एक दिन हेमलता स्कूल को बच्चों को जाता हुआ देखती है और दूसरी तरफ अपने बच्चों की तरफ देखती है जो उनके साथ उनकी चूड़ियां बनाने में उनकी मदद क्या करते थे। मेरे प्यारे बच्चों का मासूम बचपना चूड़ी बनाने में जा रहा है। इस उम्र में तो बच्चों को पढ़ने जाना चाहिए। मेरे बच्चों के हाथ भी चूड़ियां बनाने में कितने ज्यादा सख्त हो गए हैं। यह गरीबी भी पता नहीं क्या क्या करवा देती है। देखो सामने बच्चे कमर पर बस्ता टांगकर स्कूल जाते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। काश मेरे बच्चे भी ऐसे ही जाते तो कितना अच्छा लगता। अरे अरे माँ, देखकर अभी आपका सारा हाथ जल जाता। आपको पता है ना कांच पिघलाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। क्या हुआ माँ, आपकी आंखों में आंसू, क्या कोई परेशानी है? हेमलता की आंखों में आंसू भरे हुए थे लेकिन वह अपने बच्चों को अपना दर्द नहीं बताती। जब शाम को दयाराम चूड़ियां बेचकर आ जाता है तो हेमलता दयाराम से कहती है, देखिए जी, मुझे मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। हम कैसे माता पिता हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पा रहे। वो हमारे साथ चूड़ियां बनाने में हमारी मदद करते हैं, अभी उनकी उम्र है ही क्या। मैं जानती हूँ कि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। दो समय का खाना जुटाना हमारे लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम ही अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएं, उनका भविष्य उज्जवल हो। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे पढ़े लिखे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, हमारी तरह चूड़ियां ना बेचें। दयाराम भी हेमलता की तरह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था और अब वह और भी ज्यादा मेहनत करने के बारे में सोचता है। और सिर्फ अब वह अपने ही गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी चूड़ियां बेचने जाया करता था और उसकी मेहनत रंग भी लेकर आ रही थी। अब पहले से ज्यादा चूड़ियां बिक रही थी। हेमलता पैसे जोड़ती है और अपने बच्चों का पास के ही स्कूल में एडमिशन करवा देती है। नेहा और मोहन स्कूल जाने लगते हैं। उनके पास अच्छी ड्रेस नहीं थी, अच्छे जूते नहीं थे, लेकिन वह अपने माता पिता का सपना जानते थे इसलिए वह किसी भी चीज की फरमाइश नहीं करते थे। अगर बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे तो वह हंस के टाल दिया करते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। लेकिन अचानक एक दिन जब दयाराम दूसरे गांव से चूड़ियां बेचकर आ रहा था तभी रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिलते हैं और वह उसकी सारी चूड़ियां लेकर तोड़ देते हैं और उसके पास जो पैसे होते हैं वह भी छीन लेते हैं और उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं। इतनी ज्यादा पिटाई करते हैं कि उसे मारते मारते जान से ही मार कर चले जाते हैं। माँ, आज बहुत ज्यादा समय हो गया, पिता अभी तक घर वापस नहीं आए। रोजाना तो आ जाते हैं, आज क्या हुआ? कहीं कोई परेशानी वाली बात तो नहीं माँ? अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ होगा, तुम चिंता ना करो। कहाँ रह गए तुम? नेहा की तरह मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है, कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं? हेमलता अपने बच्चों को तो समझा देती है लेकिन खुद भी अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। सुबह हो जाती है लेकिन दयाराम का कोई अता पता नहीं था। अब तो हेमलता और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वह अपने बच्चों के साथ दयाराम को ढूंढने के लिए निकल जाती है। हेमलता और उसके दोनों बच्चे दयाराम को ढूंढ रहे थे कि तभी नेहा की नजर एक बड़े पेड़ के पास जाती है जहाँ पर दयाराम की डेड बॉडी पड़ी थी। अपने पिता को इस हाल में देखकर उसके चीख निकल जाती है। क्या हुआ नेहा बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? माँ देखिए सामने पिताजी, वो किस तरह से खून में लथपथ पड़े हैं। माँ, हेमलता की नजर जब दयाराम के ऊपर जाती है तो उसकी भी चीख निकल जाती है। पूरा परिवार दयाराम के पास जाता है और दयाराम की यह दशा देखकर मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और वह बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोते हैं।
अरे नहीं नहीं, यह क्या हो गया? आप इस तरह से हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? देखिए आपके बच्चे आपके लिए किस तरह से रो रहे हैं। आप अपने बच्चों को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो हमें आपके साथ बहुत सारी खुशियां देखनी थी, यह सब कुछ कैसे हो गया? कैसे? इस तरह से हेमलता बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी और वह अपने बच्चों के साथ अपने पति का दाह संस्कार कर देती है। दयाराम के इस दुनिया से जाने के बाद हेमलता पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब वह भी बीमार रहने लगी थी। अब उनके घर में गरीबी पहले से ज्यादा आ जाती है क्योंकि चूड़ी बेचने वाला कोई नहीं था। चूड़ी भी हेमलता कितनी ज्यादा बना पाती क्योंकि अब वह बीमार रहने लगी थी। उनके घर के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। नेहा और मोहन स्कूल भी नहीं जाते। तभी एक दिन हेमलता अपने बच्चों से कहती है, क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं जा रहे? अगर स्कूल नहीं जाओगे तो अपने भविष्य कैसे बनाओगे? तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। माँ, हम स्कूल कैसे जा सकते हैं? आपको पता है हमें प्रिंसिपल ने धक्के मारकर स्कूल से बाहर निकाल दिया है। 3 महीने से हमारे स्कूल की फीस जमा नहीं हुई। उन्होंने कहा है तुम जैसे गरीब बच्चों के लिए हमने स्कूल नहीं खोला, अगर फीस देने के लिए पैसे हो तो स्कूल आ जाना। माँ, जब तक स्कूल में फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं होंगे हम स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, वरना जगह जगह जाकर चूड़ियाँ बेचा करती और चूड़ियाँ बेचकर ज़्यादा पैसे कमाती और तुम्हें स्कूल भेजती। अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं। इतना कहते ही कहते हेमलता बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को इस तरह बेहोश देख दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वह अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर नेहा से कहती हैं, देखो बेटा, तुम्हारी माँ को आराम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वह जरूरत से ज्यादा अपने शरीर से काम ले रही है। अगर इन्होंने आराम नहीं किया तो इनका ठीक होना बहुत मुश्किल है। तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। नेहा डॉक्टर को फीस देकर अपनी माँ को घर लेकर आ जाती है। घर आ जाने के बाद हेमलता दोबारा से चूड़ियाँ बनाने बैठ जाती है। तभी नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ आपने डॉक्टर की बातें नहीं सुनी थी? उसने क्या कहा था कि आपको आराम करना है, सिर्फ और सिर्फ आराम। आप बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। अगर आप काम करेंगी तो ठीक नहीं हो पाएंगी। आप आज के बाद चूड़ियाँ बनाने नहीं बैठेंगी, समझ आ रही है? मेरे प्यारे बच्चों, घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो सब मेरे इलाज में खर्च हो गई। घर में राशन भी बहुत कम बचा है। अगर मैं चूड़ियां बनाकर बेचने नहीं जाऊंगी तो तुम्हें क्या खिलाऊंगी? मैंने तो ना जाने क्या क्या सपने देखे थे कि तुम्हें पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, अपने पैरों पर खड़ा करूंगी, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल बनाऊंगी। लेकिन मेरे हाथ में तब तुम्हें 2 समय का खाना खिलाना भी नहीं। बेटा, गरीबों की किस्मत में आराम नहीं होता। वह जब तक काम करते हैं तब तक खाना खाते हैं। मैं ठीक हूँ, काम कर लूंगी, मेरी चिंता ना करो। माँ, जिस तरह से हम आपकी जिम्मेदारी है आप भी हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको इस तरह से काम नहीं करने देंगे। क्यों दीदी, हम दोनों भाई बहनों ने चूड़ी बनाना अच्छी तरह सीख ली है और हम दोनों बेचने भी चले जाएंगे। आप बस आराम कीजिए, अब हम आपकी एक नहीं सुनने वाले। क्यों दीदी? मोहन और नेहा अपनी माँ को आराम करने के लिए एक जगह बैठा देते हैं और दोनों भाई बहन पूरी रात जाकर बहुत ही ज्यादा मेहनत से बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाते हैं और सुबह हो जाने के बाद वह अलग अलग उन्हें बेचने चले जाते हैं। रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर कांच की बनी चूड़ियाँ ले लो। अरे देखो तो कितनी ज्यादा सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। अरे आंटी जी आइए और देखिए, ये हरी वाली कांच की चूड़ियाँ आपके गोरे गोरे हाथों पर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेंगी। ले लीजिए, बहुत सुंदर लगेंगी कांच की चूड़ियाँ आपके गोरे गोरे हाथों में, प्यारी प्यारी चूड़ियाँ। अरे नहीं चाहिए, जाओ अपनी यह कांच की चूड़ियाँ कहीं और लेकर जाओ। आज के जमाने में भला कोई कांच की चूड़ियाँ पहनता है? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी यह बेकार सी कांच की चूड़ियाँ। नेहा उदास होकर वहाँ से आ जाती है। दोनों भाई बहन से कोई भी चूड़ियाँ नहीं खरीद रहा था। दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और वह एक जगह आकर बैठ जाते हैं। अरे वाह दीदी, आपकी यह चूड़ियाँ कितनी ज्यादा सुंदर हैं। क्या आप मुझे यह लाल चूड़ियाँ दे सकती हैं? मुझे लाल चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। लेकिन दीदी मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक गरीब लड़की हूँ। वैसे भी मेरी चूड़ियाँ बिक नहीं रही, यह लो यह चूड़ियाँ पहनकर तुम खुश हो जाओ। मुझे खुशी होगी कि मैं किसी गरीब लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आई, यह लो पहन लो। ऐसा कहकर नेहा उस गरीब लड़की को अपनी चूड़ियाँ दे देती है और जैसे ही वह लड़की चूड़ियाँ पहनती है तो वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है। नेहा और मोहन उस गरीब लड़की को परी के रूप में बदलता देख चौंक जाते हैं। तभी वह परी दोनों भाई बहन से कहती है, मैंने तुम दोनों भाई बहन की बातें सुनी थी और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन हम परियां ऐसे ही किसी की मदद नहीं करते। पहले उनकी परीक्षा लेते हैं और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुके हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तुम दूसरे के दुख को समझते हो, इसलिए जो मैंने चूड़ियां पहनी है ये अब तुम्हारी जादुई चूड़ियां बन चुकी हैं। अब तुम इनसे कुछ भी मांग सकते हो और इनसे कभी भी लालच मत करना, हमेशा गरीब और परेशान लोगों की मदद करना, ठीक है? परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम गरीबों को जादुई चूड़ियां देने के लिए। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, आप बहुत अच्छी हैं। नेहा और मोहन परी को धन्यवाद कहते हैं और वह परी जादुई चूड़ियां देकर वहां से अदृश्य हो जाती है। नेहा और मोहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वह घर आकर हेमलता को सब बताते हैं। हेमलता यह सुनकर बहुत खुश होती है और नेहा जादुई चूड़ियों से बहुत सारी धन दौलत मांगती है तो उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। नेहा अपनी माँ का इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में कराती है, जिस वजह से कुछ ही दिन में वह बिल्कुल ठीक हो जाती है और दोनों भाई बहन गाँव के बड़े स्कूल में जाने लगते हैं। अब उनका घर महल की तरह बड़ा था, 4-5 गाड़ियां थी और वह अपने साथ साथ गरीब लोगों की भी बहुत मदद कर रहे थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। उसी गांव में सुजाता नाम की एक मनिहारन भी रहा करती थी। वह हेमलता को इतना कामयाब होता देख जल भुनकर राख हो रही थी। पता नहीं इस हेमलता के घर के हालत पहले से बेहतर क्यों होते जा रहे हैं। जब इसका पति मरा था तो मुझे लगा था कि इनके तो खाने की बिलाले पड़ जाएंगे, लेकिन नहीं, चूड़ियों का काम दोनों बच्चों ने संभाल लिया। दोनों गरीब बच्चों ने अपने घर के हालात ही बदल दी। लेकिन मनिहारन तो मैं भी हूँ, चूड़ियाँ तो मैं भी बेचती हूँ और इनसे ज्यादा ही चूड़ियाँ बेच कर आती हूँ, लेकिन मैं तो इतनी जल्दी इतनी अमीर नहीं हुई। ये इतनी जल्दी कैसे अमीर हो गए? 4-5 गाड़ियाँ, बंगले, इतने बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, पता तो लगा नहीं होगा। ऐसा सोचकर सुजाता हेमलता के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन सुजाता कामयाब हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि हेमलता इतनी जल्दी अमीर कैसे हुई। उसे जादुई चूड़ियों के बारे में जैसे ही पता चलता है तो वह उन्हें चुराने का प्लान बना लेती है और एक दिन वह अपने इस प्लान में कामयाब भी हो जाती है और वह जादुई चूड़ियां चुराकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब यह जादुई चूड़ियां मेरे पास है, अब मैं इससे बहुत सारी धन दौलत लेकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। अब मुझे चूड़ियां बेचने की कोई जरूरत नहीं। अब वह हेमलता बेचारी दोबारा से गरीब हो जाएगी, क्योंकि उसकी जादुई चूड़ियां तो मेरे पास है। जादुई चूड़ियां जल्दी से मुझे बहुत सारी धन दौलत दे, बहुत सारी धन दौलत लेकर ऐश करूंगी ऐश, मैं तो किसी की मदद नहीं करने वाली। ऐसा सोचकर सुजाता बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और वह जादुई चूड़ियों से जैसे ही धन दौलत मांगती है तो उसे धन दौलत तो नहीं बल्कि जादुई चूड़ियों से सांप निकल कर आते हैं जो सुजाता को डस लेते हैं और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जादुई चूड़ियों से कोई भी लालच नहीं कर सकता था। अगर जो भी लालच करता उसकी यही सजा होती और सुजाता लालच में आकर मारी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हेमलता और उसका परिवार जादुई चूड़ियों से लालच नहीं करता, गरीब और परेशान लोगों की मदद करते हैं, जिस वजह से जादुई चूड़ियों कभी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती और हमेशा उनके साथ रहती हैं और पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करता है। और इस तरह एक गरीब लड़की अपने अच्छे स्वभाव की वजह से अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत करती है।